बहु हरनंदी। हाँ सासू माता। मैंने सुना है कि तेरा पिता बड़ा धनवान है, सेठों का सेठ है, और आज वो भात में कुछ नहीं लाया। हे सासू माता, मैं क्या बताऊं मेरी फूटी किस्मत, और मैं कैसे कैसे रोने रो आपके सामने। आप तो मेरा घोर अपमान कर रही हैं। अपमान नहीं, ये सच्चाई है कि अगर जो तेरा बाप भात में कुछ नहीं लाया, आज तेरी भी कोई वैल्यू नहीं, तेरी भी कोई औकात नहीं। ऐसा मत कहिए सासू, चली जाए यहाँ से। आप तो जानती हैं कि ना तो मेरे कोई भाई है, और मेरा पिता भी साधु बन गया है, फक्कड़ बन गया है, मोढ़ा बन गया है। मैं कहाँ से भात दिलवाऊंगी सासू माता, आप मुझे इतना अपमानित मत कीजिए। नहीं हरनंदी, बहुत कुछ बातें हैं, कुछ कहना चाहती है। कुछ कहना चाहती हूँ सासू माता, सुना दे अपनी बात। सुनिए मेरी बात। मुझे हर बात का अंदाजा है सासू माता, मगर ये मेरी फूटी तकदीर, मेरी ये फूटी किस्मत, मुझे कहीं रोने के लिए भी जगह नहीं है सासू माता। और आज आप मुझे इतना अपमानित मत कीजिए, इतने बड़े बड़े शब्द अपने बोली से मत निकालिए सासू माता। हाँ कुछ कहना चाहती है, सुन लो मेरी बात। बोली ओ करी जा से असर गाते में, हो करी जा से असर गाते में, दुनिया करे मखोलिर सासू, ओ सदा बिगड़ी हुई बात में, हो बिगड़ी हुई बात में। वो औरत
जितने बैठे हैं, मैं दिल से पूछना चाहती हूँ, रागनी आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं एक बार ताली बजा दो जी, अगर जो समझ में आ रही है। धन्यवाद। और बहू हरनंदी, कहिए सासू माता, बाप जो कभी नरसी सेठ के नाम से जाना जाता था, जिसके डंके बजते थे, आज उसे हाथ में देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? 840 कोड़ी तक भी नहीं है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय देवेंद्र मुखिया जी की तरफ से, मैं आप जैसे लोगों को सलूट करती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि डिस्को डांस में तो हर कोई कुछ भी कर लेता है, मगर ऐसी रागनी सुनना बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन सासू माँ, कह दे हरनंदी, किस बात का घमंड करूंगी और कैसा घमंड करूंगी, जब तो तू बहुत घमंड करती थी कि मेरा बाप बहुत धनवान है, नरसी सेठ है, और आज वो नरसी सेठ तेरे देने के लिए क्या 1 फूटी कोड़ी तक नहीं है उसके पास। सासू माँ, मैं कैसा घमंड करूंगी और किस बात का घमंड करूंगी, मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ कहना चाहती है? हाँ सासू, कह दे। बना देता है और कोई कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, मगर ये जो वक्त है ये इंसान को मजबूर बना देता है। सासू माँ मजबूर तो बना देता है। हरनंदी, आप मुझे इतने ताने मत मारिए, मेरी बात भी सुन ले। अगर तेरे बाप के पास देने को कुछ भी नहीं है तो वो इस घर की चौखट पे नहीं चढ़ सकता, वो आ नहीं सकता यहाँ पर। उसे कह दियो कि अगर उसके पास कुछ नहीं है आप तो इतना बड़ा शक्ल ना दिखाए। आप इतना बड़ा जुलूम मेरे साथ ना करो सासू माँ। आप जानती हो कि मेरे सर पर भाई का साया नहीं है, एक मेरा पिता था, वो भी साधु बन गया है, मैं किसके पास जाऊं माँ, मुझे समझ में नहीं आता। आप ऐसा कुछ मत कीजिए सासू माता। तू जाने और तेरा राम जाने। मेरे सावरे कब्र में पड़ी है मेरी मैया, घनश्यामरे कब्र में पड़ी है मेरी मैया। भवर में ही पड़ी रहती है, समझे? कह दे अपने बाप से जाकर अगर कुछ है देने को तो आए, अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सासू माँ, मैं क्या कह दूं अपने पिता से, कि मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ। सजनों, बताया जाता है कि गाना भाव का होता है, अगर भाव से सुनोगे
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़े दिल से हम कहें, आंखों में आंसू आए ना आए, लेकिन दिल में तो बात जरूर लगती है सजनों। और वही बात तुम्हारी सासू माँ मेरे दिल में गड़ गई है। तुम मुझे इतने ताने मत दो, मैं ताने और जो मुझे दुनिया ताने देगी उसका क्या हर नंदी। इस समाज को, बरादरी को, इस दुनिया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बहू के घर से कोई भात नहीं आया, भात में फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। अरे जा हर नंदी, चली जा यहाँ से। ओ बिगड़ी में आज, बिगड़ी में आज मेरी बाप की, तू जात बिगाड़े मत ना हो, तू जात बिगाड़े मत ना। किसकी घर ले जाके रो लियो, ढकी ढोल उगाड़े मत ना हो, और फिर से आदरणीय चंद्रवीर भगत जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और आदरणीय यशपाल टोला जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और हमारी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया, अगर तुम्हें रागनी समझ में आ रही है तो जोरदार ताली मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए। और 100 रुपए हमारे आदरणीय नेकी दादाजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और सासू माँ कह दे हरनंदी, कभी मैं सेठों की सेठ नरसी सेठ की बेटी कहलाया करती थी, कभी मैं भी सोने चांदी में तुला करती थी। अच्छा, लेकिन ये मेरा बिगड़ा नसीबा, अरे ये मेरी फूटी किस्मत, इस मेरी फूटी किस्मत ने आज तेरे चरणों में। अरे वो साधु मोड़ा बन गया तो इसमें हमारा क्या दोष। कह दे अपने बाप से जो जो मंगवाया है वो भात में आना चाहिए। कुछ कह नहीं सकती माता कि मेरा पिता आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन तू सारे समाज के सामने मुझे जलील मत कर। अच्छा, सुन ले मेरी बात। कह दे अपनी बात। सासू ताने ऐसे ही दुखी ताने मत ना
जोरदार ताली से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया।